कौन है तू? तेरा बाप इंस्पेक्टर अर्जुन। बता। मुझे नहीं मालूम। अभी बता दे। अभी बता दे। मुझे नहीं मालूम। अभी बता दे साथियों के नाम, नहीं तो साले कुत्ते की तरह सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं। बोल कमीने। मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। बोल। 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 क्या? प्रियम और बाबा दोनों पकड़े गए पान खा के? ठीक है। हेलो, अरे कमिश्नर साहब, हम कुरेशी बोल रहा हूँ पान खा के। अरे क्या हुआ तुम राज में? प्रेम और बाबा दोनों को अर्जुन सिंह ने पकड़ लिया है। अरे कुछ कीजिए। हाँ, इस अर्जुन सिंह के बच्चे को देखना पड़ेगा पान खा के। हेलो इंस्पेक्टर अर्जुन हियर। यस सर। क्या सर, बाबा और प्रेम को छोड़ दूं? लेकिन ओके सर। क्या बकवास कर रहा है तू? इंस्पेक्टर अर्जुन, तुम्हें हमारे खिलाफ सरकारी गवाह बनाना चाहता है? हाँ, लेकिन मैंने आपके साथ कोई गद्दारी नहीं की। हमें तुम्हारी वफादारी पर पूरा भरोसा है, और हमें यह भी मालूम है कि तुम हमारे लिए किसी की जान ले भी सकते हो और अपनी जान दे भी सकते हो। फिर हमारे खिलाफ जवान खोलने का सवाल ही कहां पैदा होता है। जीवन बाबू, किसी पर भी इतना भरोसा करना अच्छा नहीं होता। अरे नहीं देवा भाई, जितना भरोसा हमें अपने आप पर है, उससे कहीं ज्यादा भरोसा हमें बाबा पर है। अना ऊपर वालो, ऊपर ही बड़बड़ करते रहोगे मियाँ पान खा के, नीचे भी आओगे, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। अब मियाँ किसी की तारीफों के पुल इतने नपा दो, एक आधा पुल टूट गया तो खाम खा वो मर जाएगा गिर के। हाँ, तुम बिल्कुल सही फरमा रहे हो बड़े मियाँ। अब तक तो हावड़े के कितने ब्रिज पुल टूट गए होंगे। कुरैशी, तुमने बिल्कुल सही कहा, आजकल वफादार लोग मिलते ही कहाँ हैं। बहुत मिलते हैं, बाजार में कचरे के भाव में मिलते हैं। नहीं देवा, तुम गलत हो, वाकई में आजकल वफादार लोग नहीं मिलते। ठीक कह रहे हैं मियाँ, नहीं मिलते, लेकिन अब तो मिल गया ना, तो उसे छोड़ो और आगे की सोचो। इंस्पेक्टर अर्जुन की सोचो, वो महाभारत के अर्जुन की तरह एक ही लक्ष्य बनाकर बैठा हुआ है, जिसके पीछे पड़ जाए उसको नहीं छोड़े, और पड़ गया ना हम सबके पीछे छोड़ेगा नहीं किसी को पान खा के। हाँ। ये कुरेशी ठीक कह रहा बाबा, ये ईमानदार भी है साला इंस्पेक्टर, और जाबाज भी है। मैंने काफी कुछ पढ़ा अखबार में इसके बारे में, साले को ईमानदारी का कीड़ा लग गया है, और देश से उतना ही प्यार करता है और उतनी नफरत करता है हमसे। ठीक है, कुछ करते हैं। ए बाबा, तू निकल। एक काम करते हैं, पहले वाले इंस्पेक्टर को जो हम हफ्ता पहुंचाते थे, उसका डबल हफ्ता इसको पहुंचाते हैं। इसकी नफरत अपने आप मोहब्बत में बदल जाएगी। नहीं देवा भाई, क्योंकि वो इंस्पेक्टर रिश्वत से उतनी नफरत करता है जितनी हम ईमानदारी से करते हैं। तो तुम ही लोग बताओ कि अब हम क्या काम कर सकते हैं कि इसकी नफरत मोहब्बत में बदल जाए और इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह हमारा गुलाम बन जाए। अमा मियां, यहाँ बैठे रहने से, घूमने से, डायलॉग बोलने से काम नहीं चलेगा। उसके पास चलते हैं, पैसा फेंकते हैं, बंडल ऐसे फेंकते हैं। अगर पैसे से नहीं माना तो छोकरी ओकरी भी ले चलते हैं। पैसा और छोकरी जब दोनों मिलेगी ना पान खा के, तो यूं मामला सॉल्व होगा, समझ गए ना? गुलाम हो जाएगा अपना। नहीं, जो देशद्रोही अपने देश को फिर से गुलामी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्पेक्टर अर्जुन उनका गुलाम नहीं, उनका दुश्मन है, समझे? ए इंस्पेक्टर, अरे बहुत सुना और पढ़ा तेरे बारे में, चला साक्षात दर्शन तो हुए? हाँ, गौर से देख ले, मैं तेरा सर्वनाश हूं, क्या समझा? ये तो वक्त बताएगा कौन किसका सर्वनाश है, और वक्त हमारी मुट्ठी में है।
हम जैसा चाहेंगे वैसा ही वक्त करेगा। गलत फहमियां तेरी, वक्त कभी किसी की मुट्ठी में नहीं रहता, और जो लोग ऐसा सोचते हैं वक्त उनका बहुत बुरा हश्र करता है। तेरा वक्त बहुत ही खराब है, तो बहुत जल्द ही सलाखों के पीछे होगा, समझा? ए इंस्पेक्टर, पाव तो क्या तेरा बोल वचन, बस तुम नहीं जानते हम लोग कौन है। अगर हम चाहना तो तेरी वर्दी यूं उतरवा सकते हैं, यूं, और सलाखों के पीछे तुझे भिजवा सकते हैं। तू नहीं जानता कि मेरे साथ कौन कौन है। मेरे साथ सच्चाई, ईमानदारी और धर्म है। ये तीनों चीजें जिसके साथ होती है उसका तो ऊपर वाला भी साथ देता है, और ऊपर वाला जिसका साथ देता है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। 24 घंटे का वक्त देता हूं मैं तुम लोगों को, बच सकते हो तो बच लो। चला गया मरदूत, ना फातिया ना दूध, मियां चला तो गया, पूरी धरती को हिला गया, हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। कभी लड़की भेजे की बात करता है, कभी पुलिस को देख के टांग कामने लगती है, तू क्या उसका करेगा? अमा मियां कुछ करेगा तभी तो होगा पान धागे। अमा मियां मैं थोड़ा ही कुछ करूंगा, करेगा तो इंस्पेक्टर अर्जुन। वो कुछ नहीं करेगा। दक्षिण, कमिश्नर को फोन लगाओ।